वेलकम बैक दोस्तों, क्यू एन ए सेक्शन ऑफ रियलमी एक्स प्रो। तो जैसे मैंने पिछले वीडियो में कहा था क्यू एन ए सेक्शन करूंगा मैं रियलमी एक्स प्रो पर, कि कुछ सवाले कुछ हो गए, जवाबे कुछ हो गए, तो इस वीडियो में आपको उन सवालों का उन जवाब मिल जाएगा। तो देखते रहिए, उसके लिए आप पूरा वीडियो देख रहा होगा, लेट्स स्टार्ट लेके एंड तक, और आपको सारी जो क्वेश्चन है इस फोन के बारे में वो बिल्कुल क्लियर होने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को बिना किसी देरी के। आई एम नावेद एंड यू आर वॉचिंग टेकमान चैनल, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो पिछले वीडियो में दोस्तों आपको मैंने बता दिया था वीडियो स्टार्ट करने का प्रोसीजर, अगर आपने वो प्रोसीजर पूरा किया तो वीडियो स्टार्ट हो जाएगा। उसके लिए आपको नीचे दिए गए बेल सब्सक्राइब बटन पे सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन प्रेस करना है, उससे ये वीडियो जरूर स्टार्ट हो जाएगा। तो कर दिए होगे तो वीडियो स्टार्ट हो जाएगा। I am Navid and you are watching TechMan channel. Let's get started. पिछले वीडियो में दोस्तों मैंने कहा था कि Realme X Pro के सारे स्पेसिफिकेशन आपको उसमें बताए थे, तो मैं सोच रहा हूँ कि पूरी सीरीज Realme X Pro के ऊपर स्टार्ट करूँ, कि क्या क्या उसके जितने भी अपडेट्स आते रहेंगे वो आपको वीडियो बना बना कर आपके तक पहुँचाता रहूँगा। तो मेक श्योर यू हैव सब्सक्राइब एंड बेल आइकन प्रेस्ड। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो 50 क्वेश्चंस मैं इस वीडियो में लेने वाला हूँ Realme X Pro के। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर वन से। तो क्वेश्चन नंबर वन ने दोस्तों, डज Realme X Pro हैज रिमूवेबल बैटरी? तो नहीं दोस्तों, रिमूवेबल बैटरी आपको इसमें नहीं मिलेगी। और आप सोच ही सकते हैं सारे फोन नॉन रिमूवेबल बैटरीज के चल रहे हैं अभी, तो रिमूवेबल बैटरीज देकर रियलमी क्या करेगा? तो नॉन रिमूवेबल बैटरीज है और ये ज्यादा फायदेमंद भी होता है यूजर्स के लिए। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर टू है दोस्तों, हाउ टू यूज LED फ्लैश फॉर नोटिफिकेशन ऑन Realme X Pro। तो इस क्वेश्चन से दोस्तों फ्लैश जो है वो LED नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी और वो उसमें आपको कुछ चेंजेस करने की जरूरत नहीं होगी, तो आप ये जो है डिफॉल्ट सेटिंग्स में होगी। उसके बाद दोस्तों आपको मिल जाएगा क्वेश्चन नंबर थ्री है दोस्तों, हाउ टू टर्न ऑन बैटरी सेवर मोड ऑन Realme X Pro। तो टर्न ऑन बैटरी सेवर मतलब कि सेटिंग्स में जाना है, बैटरी सेटिंग्स में जाना है और सेटिंग्स को ओपन करके बैटरी सेवर मोड ऑन करना है और आपको नोटिफिकेशन पैनल में शॉर्टकट भी मिल जाएगा। उसके बाद दोस्तों इस Realme क्वेश्चन नंबर फोर के ऊपर जाएंगे, तो इस Realme इज वाटर प्रूफ? तो जी हाँ, नहीं दोस्तों, Realme X Pro जो है वाटर प्रूफ नहीं होने वाला है, क्योंकि इसका जो सर्टिफिकेशन जो होता है IP सर्टिफिकेट, ID सर्टिफिकेशन, उसमें ये पास नहीं हुआ है, क्योंकि इसका जो प्रोटेक्ट है मतलब कि ये आईडी सर्टिफिकेशन के लिए गया ही नहीं, मतलब कि ये वाटरप्रूफ नहीं है। तो हाउ टू टेक कंप्लीट बैकअप ऑफ माय Realme X Pro। कंप्लीट बैकअप लेने के लिए आपको वही सब चीज़ें करनी होंगी, सेटिंग्स में जाना है और सारी वो सारी चीज़ें आपको यूट्यूब पर मिल जाएगी। हाउ मच मेमरी इज अवेलेबल फॉर ऐप इंस्टॉलेशन ऑन Realme X Pro। तो जैसे एंड्रॉयड 9.0 का 5 वर्जन आपको इसमें दिया गया है, मतलब कि आपको कम से कम 10 GB आपको इसमें यूजेबल जो पहले से यूज हुई होगी, मतलब 10 GB आपको इसमें से घटाकर मिल जाएगी। 128 GB आपको मिलेगी इंटरनल स्टोरेज, उसमें से 10 GB जो होगी वो दोस्तों आपको पहले से सिस्टम जो है OS जो है उसका यूज करता हुआ दिखाई देगा, मतलब 118 GB इज अवेलेबल फॉर यू। तो उसके बाद वाला क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों, जो है हाउ टू टेक स्क्रीनशॉट ऑफ Realme X Pro। स्क्रीनशॉट लेने के लिए बहुत सारे वे और इजीएस्ट वे आपको मिल जाएगा, कि 3 finger स्क्रीनशॉट्स, फिर वॉल्यूम बटन और पावर वाला बटन स्क्रीनशॉट, ये सारी चीज़ें दोस्तों आपको बेसिक्स है। एक मोबाइल फ़ोन अगर आप यूज़ करते हैं तो ये सारी चीज़ दोस्तों बेसिक्स है, तो आप मोबाइल फ़ोन यूज़ करने से पहले बेसिक्स मजबूत होने चाहिए। हाउ डज Realme X Pro सपोर्ट फास्ट चार्जिंग? मतलब कि X Pro में अगर फास्ट चार्जिंग सपोर्ट होगा, लेकिन आपको बता दूं कि वूक चार्जिंग के वजह से इसमें फास्ट चार्जिंग जो है वो सपोर्ट हो सकता है, सिंस इट्स अनऑफिशियल कि कौन सा वाला आपको इसमें चार्जिंग सपोर्ट मिलता है। तो वूक चार्जिंग माना जा रहा है कि वूक चार्जिंग इज मस्ट इन ऑल फोन्स टुडे, बट आपको इसमें वूक चार्जिंग मिल सकता है। तो वूक चार्जिंग मिला मतलब फास्ट चार्जिंग आपको टाइप सी पोर्ट में मिल सकता है। हाउ टू, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो दोस्तों थोड़ा हैकिंग वाला है, हाउ टू रूट Realme X Pro। तो ये क्वेश्चन का जवाब है दोस्तों, पहले फ़ोन लॉन्च होने दो, फिर लॉन्च होने के बाद हैक कर लेना, मतलब कि रूट कर लेना। रूट करने के लिए आपको बता दूँ किंग रूट आता है एप्लीकेशन और काफ़ी सारे आपको यूट्यूब से मेथड्स मिल जाएंगे अपने फ़ोन्स को रूट करने के लिए, पर दोस्तों इससे थोड़ा डेंजरस है और थोड़ा आपको वारंटी का मसला आ सकता है इस मेथड से,
मतलब कि रूट क्यों करना है अगर आप सिंपली यूज कर सकते हैं, सारे फीचर्स तो ऐसे ही अवेलेबल होते हैं। अगर आपको करना है तो आप उस मैटर्स के लिए जा सकते हैं। हाँ दोस्तों, मेरे वीडियोस लिस्ट में एक किंग रूट के जो ट्यूटोरियल है, जो मेथड है, वो मैंने बताया, तो आप मेरे जो है वो लिस्ट पर जाकर आप देख सकते हैं। तो डस नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वो डस रियलमी एक्स प्रो सपोर्ट ओटीजी? तो इसका आंसर है दोस्तों हाँ, ओटीजी सपोर्ट इज मस्ट। तो ये ओटीजी सपोर्ट आपको इस फोन में मिल जाएगा। डज रियलमी एक्स प्रो सपोर्ट वॉल्टी? तो यस दोस्तों, इसमें भी आपको वॉल्टी सपोर्ट जो है वो देखने को मिल जाएगा। उसके बाद दोस्तों, डज रिमूवल हाउ टू रिमूव बैटरी ऑन रियलमी एक्स प्रो? तो रिमूव करने के लिए कोई मतलब ओरिजिन वाला मेथड नहीं है, आपको खोलना पड़ेगा, बैटरी निकालना पड़ेगा, ये सब हार्डवेयर वाले काम है, तो आपको इसी तरीके से रिमूव करना पड़ेगा, लेकिन आपको कोई रिमूव करने की सपोर्ट नहीं है। हाउ टू अपग्रेड माई OS टू द लेटेस्ट वर्जन ऑफ रियलमी एक्स प्रो? तो OTG अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे टाइम टू टाइम, तो आप उससे अपडेट कर सकते हैं। कंपनी खुद इसका ध्यान रखती है, अगर कंपनी चल रही तो आपको मिल जाएगी अपडेट्स। तो हाउ टू बाय रियलमी एक्स प्रो ऑन EMI? तो ये दोस्तों काफ़ी अच्छा है दोस्तों, ये क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे हैं दोस्तों कि रियलमी एक्स प्रो को आप EMI पे कैसे परचेज कर सकते हैं। उसके लिए आपको फ्लिपकार्ट, अमेजोन और जो भी वेबसाइट्स होते हैं, बजाज फिनसर्व की ऑफिशियल वेबसाइट, अगर इस पर अवेलेबल होगा आपको EMI ऑप्शन, तो आप EMI पर जो है बाय कर सकते हैं। क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड पे भी अभी आने वाले लोन्स के ऑप्शन, और बजाज फिनसर्व तो है ही, उसके उससे भी आप जो है EMI पर बाय कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हाउ टू मेक वीडियो कॉल्स ऑन रियलमी एक्स प्रो? तो वीडियो कॉल्स करने के लिए आपको वॉल्टी सपोर्ट चाहिए, तो वो होगा आपको इस फोन में, और आपको वीडियो कॉल्स इजीली आप उससे एक्सेस कर सकते हैं। फिर आपको बता दूं हाउ टू, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हाउ टू अनेबल गूगल असिस्टेंट इन रियलमी एक्स प्रो? तो सारे फोन्स में जैसे गूगल असिस्टेंट अनेबल कर रहे, इस फोन में भी कुछ अलग नहीं होगा, वैसे ही आप गूगल असिस्टेंट जो है वो एक्सेस कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों जो क्वेश्चन है वो है, व्हाट आर द वेरियस गेस्चर कंट्रोल्स फॉर रियलमी एक्स प्रो? तो इसमें आपको थोड़ा रीड करके बताना पड़ेगा मुझे। रियलमी एक्स प्रो डज नॉट हैव एनी यूनिक गेस्चर कंट्रोल्स असिस्टेंट विद इट्स UI, हाउएवर सिंस इट्स रन्स ऑन एंड्रॉइड 9.0, तो गेस्चर फीचर कुछ ऐसे हो कि गेस्चर कंट्रोल इंक्लूडिंग नेविगेशन गेस्चुरल कंट्रोल आपको मिल जाएगा, ड्रॉइंग ऑन लॉक स्क्रीन मिल जाएगी, 3 फिंगर स्क्रीन शॉट्स मिल जाएंगे, लॉक टैपिंग ऑन द आइकॉन टू शो इन्फो मिल जाएगा, स्वाइपिंग लेफ्ट और राइट फॉर क्लोजर, यू कैन लुक एट दिस, मतलब कि जो भी नए कुछ यूनिक कुछ गेस्चर फीचर्स नहीं आने वाले, जैसे कि पहले रियलमी के फोन में जो भी गेस्चर्स आते थे वो सारे आपको इस फोन में मिल जाएंगे। How to hide pro or protect apps on Realme X Pro? It is good option to hide or lock your apps to save from mini heart attack from when someone takes your phone. मतलब कि आप अपना फोन जो है वो सेटिंग्स में जाकर, या फिर कोई इतना ज़रूरी नहीं है कि इन बिल्ड आपको हाइड करने वाला कोई सिस्टम देना चाहिए, आप एक्सटर्नल ऐप्स भी आते हैं उससे भी आप कर सकते हैं, लेकिन इन बिल्ड जो है वो आपको मिल जाएगा। डज ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो दोस्तों, डज रियलमी एक्स प्रो कम विद गूगल असिस्टेंट? तो ये कोई सवाल नहीं हुआ, गूगल असिस्टेंट तो आपको मिलना ही है इस फोन में। उसके बाद वाला दोस्तों क्वेश्चन है दोस्तों, डज रियलमी एक्स प्रो सपोर्ट वॉल्टी इन बोथ द सिम स्लॉट्स? ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, तो आपका इसका आंसर है दोस्तों जी हाँ, आपको दोनों ही सिम स्लॉट्स में रियलमी एक्स प्रो में आपको वॉल्टी ही सपोर्ट आपको मिल जाएगा। उसके बाद दोस्तों, हाउ टू टर्न ऑन टॉर्च? तो टॉर्च ये तो बेसिक है, आपको नोटिफिकेशन पैनल में मिल जाएगा टॉर्च कैसे ऑन करते हैं। उसके बाद हाउ टू अनेबल 4G? 4G अनेबल करने आपको नेटवर्क सेटिंग्स में जाना है और अपनी सेटिंग जो है 4G पर अपग्रेड करना है, और कुछ नहीं, आपको जो 4G है वो तुरंत ऑन हो जाएगा। उसके बाद हाउ टू डिसेबल नोटिफिकेशन ऑन रियलमी एक्स प्रो? स्टेप्स जो है वो डिसेबल नोटिफिकेशन में जाने, आपको सेटिंग्स में जाना है, उसके बाद एप्लीकेशंस में जाना है, और एक बार स्टेप बाय स्टेप एप्लीकेशन के नोटिफिकेशन आप समझो व्हाट्सएप है तो व्हाट्सएप की नोटिफिकेशन आप ऑफ कर सकते हैं, आपको उसके नोटिफिकेशन नहीं आएंगे। तो उसके बाद जस्ट ये काफ़ी अच्छा यूनिक क्वेश्चन है दोस्तों जो है, डज रियलमी एक्स प्रो सपोर्ट VR? तो जी हाँ, डज नॉट, बट रियलमी एक्स प्रो डज नॉट हैव अ गायरोस्कोप एंड डज नॉट सपोर्ट VR रियलिटी। तो ये रियलिटी है दोस्तों रियलमी एक्स प्रो की। तो हाउ टू सेटअप वाईफाई हॉटस्पॉट ऑन रियलमी एक्स प्रो? ये भी बेसिक्स है दोस्तों, आप मुझे लगता है कि मुझे बताने की जरूरत नहीं, आपको आता होगा। डज रियलमी एक्स प्रो सपोर्ट 4K वीडियो? जी हाँ दोस्तों, 4K वीडियो सपोर्ट आपको इसमें मिल जाएगा, जो काफी अच्छी न्यूज है रियलमी एक्स प्रो को खरीदने की जो चाह रखते हैं।
उसके बाद जो क्वेश्चन है दोस्तों वो है हाउ टू रिकॉर्ड कॉल्स ऑन Realme X Pro। तो कॉल रिकॉर्ड करने के लिए आपको इनबिल्ट फीचर्स मिल जाएंगे, तो आप इनबिल्ट फीचर्स के लिए जा सकते हैं, आप उसका प्रोसीजर देख सकते हैं। और हाउ टू नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हाउ टू शेयर एनी फाइल फ्रॉम Realme X Pro टू अनदर डिवाइस। तो इसका कोई जवाब नहीं हो सकता दोस्तों कि कैसे करें, इसकी काफ़ी सारे जवाब है। शेयरिट हो गया, जेंडर हो गया और ब्लूटूथ से तो आजकल कोई नहीं करता है। शेयरिट, जेंडर, ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी, उससे आप शेयर कर सकते हैं। हाउ टू शेयर एनी फाइल फ्रॉम Realme X Pro। और दोस्तों अगला जो है वो कस्टम अगला क्वेश्चन है वो कस्टम रिंगटोन के लिए जो आपको इसमें मिल जाएंगे। फिर हाउ टू, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, हाउ टू हाइड फोटोज एंड वीडियोज ऑन Realme X Pro। तो फोटोज और वीडियोज हाइड करने के लिए आपको दोस्तों उसमें फीचर्स मिल जाएंगे। आपको टेक्निकल वे जो है वो वन वे टू हाइड पिक्चर्स जो है वो एक्सटेंशंस गैलरीज टू चेंज देयर एक्सटेंशंस, और ये सारी दोस्तों जो आपको एक एप्स भी मिल जाएगी गूगल प्ले पर कि फोटोज और वीडियोज हाइड करने के, और आपको इनबिल्ट ऑप्शंस भी वो है जो प्रोवाइड कर देगा रियलमी। उसके बाद हाउ टू सेव बैटरी ऑन रियलमी प्रो एक्स प्रो। तो इसके लिए कोई जवाब, मतलब कि आपको बैटरी सेव करना है तो जाहिर सी बात है, और आपको बैटरी सेवर जो है वो ऑन करना होगा, इसके लिए आप बैटरी सेवर जो है वो ऑन कर सकते हैं। हाउ टू इंक्रीज द स्पीड ऑफ रियलमी एक्स प्रो। तो ये दोस्तों आपको स्पीड इंक्रीज करना है तो आपको क्लीन मास्टर और ऐसे काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर जो है वो अवेलेबल होगा आपको प्लेटफॉर्म पर। तो आप क्लीन मास्टर हो चुका और अब अपना बिल नंबर देखकर डेवलपर ऑप्शन चाहकर आपको विंडोज एनिमेशन स्केल ऑन कर सकते हैं, आपको एनिमेशन ऑफ कर सकते हैं, और काफ़ी सारे आपको ऐप्स मिल जाएगी और इनबिल्ट भी रियलमी प्रोवाइड करता है, तो आप वहाँ से भी आप अपना जो है क्लीन जो है कैच मेमोरी और सारी जो जंक फाइल्स है आप वहाँ से क्लीन जो है वो कर सकते हो, अपना स्पीड और बूस्ट अप आप अपने फ़ोन को कर सकते हैं। तो डज रियलमी सपोर्ट 5G? इसका जवाब तो मैंने पहले ही दे चुका हूँ लेकिन फिर से दे देता हूँ। तो 5G सपोर्ट आपको इसमें शायद नहीं मिल सकता, तो सिंस इट्स अनऑफिशियल तो कुछ कह नहीं सकते, पर 5G सपोर्ट मेरे हिसाब से तो नहीं मिल सकता आपको, और जो जहाँ से मैं देख रहा हूँ वहाँ के एक्सपर्ट्स भी यही कहते हैं कि 5G सपोर्ट आपको नहीं मिल सकता। तो ये सारे डिटेल्स थे दोस्तों Realme X Pro के, और Q&A सेशन ऑन Realme X Pro आपको इस वीडियो में मिल चुका होगा, और आपके शायद लगभग कुछ परसेंट सवाल तो आपके सॉल्व हो चुके होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, आपका इन क्वेश्चंस में से कोई भी एक क्वेश्चन था और आपके जवाब मिल गया, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। उसके लिए आपको बेल आइकन तो बाद में होगा, पहले सब्सक्राइब बटन प्रेस करना होगा, उसके बाद बेल आइकन विजिबल होगा वो प्रेस करना होगा। अगर आपको कोई भी टॉपिक सजेस्ट करना है कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, कोई भी क्वेरी से डोंट थिंक कमेंट इट इन कमेंट सेक्शन। और मैं इस Realme X Pro के ऊपर पूरी सीरीज चालू करने वाला हूँ, तो और काफ़ी सारे सीरीज इस चैनल पे आपको मिल जाएंगे, तो उसके लिए आपको ट्यून्ड रहना रहेगा इस चैनल से। तो ट्यून्ड रहे इस चैनल से और फिर मिलेंगे अपने अगले वीडियो में। आई एम नावेद एंड यू आर वाचिंग टेक माय चैनल। लेट्स एंड इट और वी विल मीट सून।